आनंद, अब तुम्हारे यार का अंत होगा। आनंद, क्या किया तूने और कितनी जान लगा तू? आज मैं जान के बदले जान लूंगा। आपको कुछ नहीं होगा तुम्हें। पता नहीं ये वंश क्यों चला रहा है इतना। वो ठीक तो होगा नहीं अर्जी। अरे सुधा, मुझे तो लग रहा है कोई मुसीबत होगा। ऐसे मत बोल के। वंश, कैसा लग रहा है? ये सब क्या है? आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं? तुमको पता नहीं क्यों कर रहे? एक चमाट लगाएंगे तुमको समझ में आ जाएगा। तुम्हारी वजह से हम अपना सब कुछ खो चुके हैं। सब कुछ छीन लिया तुमने हमसे हमारा। अब तुम ही हमको हमारा सब कुछ वापस करोगे, वरना तुम्हारे बाबा जो हॉस्पिटल में पड़े हुए हैं, वो तुम्हारी माँ और ये सब सबको ऊपर भेजूंगा मैं। मैं दुनिया की नजर में मर चुकी हूं। मैं तो बाहर नहीं आ सकती। अब आनंद को ही डोरी को डराकर सब कुछ वापस हमारे नाम करवाना होगा। पांच 5 मिनट है तुम्हारे पास। जितना सोचना है सोच लो, उसके बाद एक एक करके सबकी जान लूंगा तुम्हारे सामने।
समझ में आ रहा है कि नहीं? अंगूठा लगाना पड़ेगा ऐसे कागज पे, वरना तो तुम जानती हो किसी की जान लेने से पहले हमारे हाथ जो है वो कांपते नहीं है। और ये जो नया नया परिवार तुम्हारा बना है ना अभी यहाँ पर, अभी एक झटके में खत्म हो जाएगा, समझ में आया कि नहीं? दिखाऊ ये एक एक को टपका के दिखाऊ, बताओ ना। तो तुमको मैं समझा क्यों रहा हूं, तुम तो हो ही मनहूस। जहां भी जाती हो दुख दर्द तकलीफ लेकर के जाती हो, ऐसे झोला भर भर के। देखो ना अपने बाबा को, जिस इंसान ने तुमको पाला पोसा बड़ा किया, आज अस्पताल में पड़ा हुआ है, क्या हालत है उसकी? तुम्हारी माँ जिसने तुम्हारा साथ दिया, उन सबको छोड़ो, ये सब देख लो, ये नैने वाले जो पड़े हुए तुम्हारे चक्कर में। और अच्छा हुआ तुम्हें पैदा होते ही मैंने फेंक दिया था, मैं बच गया, देख लो। मनहूस हो तुम, उदाहरण है ये तुम्हारे सामने। और उसी माँ बाबा ने मुझे हमेशा इतना प्यार दिया जितना कोई माँ बाबा नहीं दे सकते थे, इसलिए अच्छा हुआ कि आपने मुझे बचपन में गंगा मैया में बहा दिया था। अच्छा हुआ आपने मुझे अपने से दूर रखा, वरना मैं भी आपकी तरह बुरी बन जाती। और आपके जैसा तो मुझे कभी नहीं बनना है। अपनी औकात से ज्यादा जमान चल रही है तुम्हारी। मैंने तो अपने मन की बात कही और आपको बुरा लगा क्योंकि ये सच है। और मेरे माँ पापा बोलते कि सच कहने से डरना नहीं चाहिए। ये लड़की कभी सीधा मुद्दे पे क्यों नहीं रहती? तो ये सभी को मार देंगे जैसे मेरे बाबा और माँ को मारने की कोशिश की। ठीक है मैं लगा दूंगी अंगूठा आप जहाँ भी कहेंगे, पर फिर आप मेरे परिवार से हमेशा दूर रहेंगे ना? अरे तुम जैसे गरीब फटीचरों से ना मुझको कुछ लेना देना नहीं है, मुझे सिर्फ तुम्हारे अंगूठे के निशान से मतलब है। चवास, अब मैं वो सब कुछ कर सकती हूं जो मैं चाहती हूं। आज से तुम हमारी तरफ से ना आजाद हो, जो करना है करो, सड़ो गलो मरो कुछ भी करो, पर हमारे रास्ते में मत आना।